गाइस वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम चेतन जांगी। देखो, महिंद्रा ने अपनी हेल्थ के बारे में सब कुछ सोच रखा है पहले से ऑलरेडी। अपन कुछ भी कर लो यार, महिंद्रा लाजवाब है अपने लिए। महिंद्रा ने अपने लिए क्या कुछ नहीं सोच रखा वो तो सही बता दे। अगर पीछे से ही बात करें तो बोलेरो के अंदर देखो, वुमन हेल्थ के बारे में कितना सोच रखा है महिंद्रा ने। ये ऊपर से बात करें तो ये आपको ऐसे लगते होंगे जैसे स्पीकर लगे हो, हालांकि पहले मेरे को भी लगते थे ऐसे ही। मैंने इस पर रिसर्च भी की, फिर ये स्पीकर नहीं निकले यार। मैंने जो सोचा था यार, महिंद्रा ने ऊपर भी स्पीकर दे रखा है रूफ पे यार, ये तो मस्त है, कहने के लिए मिल जाते हैं अच्छे खासे गाड़ी के अंदर, आवाज़ भी आती है। पीछे की तरफ दो स्पीकर दे रखे हैं यहाँ से यहाँ से, जो कि पीछे वाले बैठने वालों को तो सिर खा जाते हैं। ये पीछे वाले बहुत परेशान हो जाते हैं आगे बैठने वालों से कि यार आवाज़ वॉल्यूम कम कर लो, वॉल्यूम कम कर लो। पर ऐसा सीन कभी कभार देखने के लिए मिलता है, क्योंकि पीछे पे कोई बैठता ही नहीं है। बैठता होगा तो फिर वो परेशान हो जाता होगा, क्योंकि इसके अंदर वेंटिलेशन की सुविधा इतनी है नहीं। पर फिर भी दे रखी है महिंद्रा ने, जितनी कोशिश की ना उतना महिंद्रा अपने को सब कुछ प्रदान कर देता है। जैसे कि रियर एसी वेंट, एसी तो नहीं मिलता, रियर एसी वेंट तो देखने के लिए नहीं मिलता, बट इसके अंदर हमें वेंटिलेशन की सुविधा तो दे ही दी महिंद्रा ने। ऊपर से ही देख लो, ऊपर से हमें एसी वेंटिलेशन के लिए दो दे रखे हैं, जो कि एक यहाँ एक वहाँ दे रखा है। ऊपर की तरफ दो मिल जाते हैं रियर के अंदर, जो कि पीछे दो दो पर्सन बैठेंगे ना उसको वेंटिलेशन आसानी से मिल जाएगा। और वह और दे रखे हैं वेंटिलेशन के लिए, जो कि यहाँ से मिलता है। अब ये वर्क बताऊँ कैसे करता है। ये दोनों अंदर की तरफ हवा खींचते हैं, जो कि वेंटिलेशन को बढ़िया करते हैं गाड़ी के अंदर। ये दोनों पीछे की, ये दोनों तरफ लग रहे हैं, एक तो इस साइड एक इस साइड, इसके थ्रू अंदर इसकी तरफ आवाज आती है, आवाज आती है अंदर की तरफ। जैसे जाएगी कि ये बी पिलर दिख रहा है ना आपको, देखो मैं बताऊं तो आपको, एक बार अनलॉक कर दे गाड़ी को। जैसे आपको ये बी पिलर दिख रहा है ना इसका, जैसे कि आपको इसके अंदर बी पिलर दिख रहा है ना, इसके थ्रू अंदर जाएगी, इसके ऊपर की तरफ जाएगी इसकी हवा। ये इसके सी पिलर की, जो कि ये वाला है बी पिलर है, कौन सा ये क्या है, इसके अंदर से जाएगी, इसके अंदर से पास होती हुई हवा फिर अपने रूफ, ये अपनी रूफ नहीं है क्या, अपनी बोलेरो की, जो कि ये है, यह मतलब रूफ का कवर है, जो कि अपने को मतलब हीट अंदर की तरफ नहीं आने देता, ये ऊपर के ऊपर ही रोक लेता है, और अपने को इतनी हीट भी नहीं रहती, और गाड़ी के कूलिंग को ऐसे की कूलिंग को बनाए रखता है, यही इस कारण काम आता है। और ये वाला फिर वो हवा इस पे पूरे पे फैल जाती है, फिर वो ये वेंटिलेशन के लिए दो दे रखे हैं, इसके थ्रू नीचे की तरफ आती है। जैसे सांस लेने में दिक्कत हो किसी को, पीछे बैठ जाए तो फिर सांस लेने में यार पीछे इतनी कोई स्पेस देखने के लिए नहीं मिलता। और फिर ऊपर से जैसे कि मैं आपको डोर बंद करके बताता हूँ, अभी मैं बैठा हूँ तो इतनी, अब मेरे को थोड़ा सा, देखो 7 मेंबर बैठेंगे तो गाड़ी के अंदर थोड़ी सी हीट भी होगी, जो फिर अच्छी नहीं रहती यार गाड़ी के लिए। देखो मैं बताऊँ तो आपको, फिर ऊपर से गर्मी, फिर एक्स्ट्रा में वो करें ना अपन तो वेंटिलेशन कोई इतना अच्छा खासा नहीं मिलता, फिर ऊपर से वेंटिलेशन नहीं हो जिस गाड़ी में तो यार फिर बैठना ही उल्टी खासा जी होने लग जाता है, या फिर हेडेक होने लग जाता है, या फिर देखो तबीयत बिगड़ जाती है मतलब बैठने से पीछे। सो बात होगी एक बार बताऊँ तो आपको, इस कारण महिंद्रा ने अपनी हेल्थ के बारे में तो सब कुछ सोच रखा है। पीछे की तरफ भी दो वेंटिलेशन के लिए अच्छा खासा बना रखा है बोलेरो को। और बात करें तो फ्रंट से एसी वेंट के बारे में, एसी के बारे में कई चीजें तो महिंद्रा ने यार बिना मतलब की दे रखी, जो कि अपनी कोई काम की नहीं। पर बात करें तो सबसे पहले तो इसके डिफोगर के बारे में बात करते हैं, इसकी एक सेपरेट वीडियो भी लाऊंगा। देखो मैं इसके अंदर यार महिंद्रा ने दे तो रखा है, पर ये कोई काम का ही नहीं है यार अपने लिए। बताओ क्या सोच के महिंद्रा ने इसको दिया है अपनी गाड़ी के अंदर, ना ही तो ये वर्क करता है, ना ही इसके अंदर कोई पाइप दे रखी है, मतलब जो एसी की आती है ना वो वाली वायर पाइप भी नहीं दे रखी, जो कि इस पर वर्क करेगी इजिली। और बात करें तो फिर इसके अंदर यार काम कब करेगा, जबकि जब इसके अंदर कोई लाइन होगी इसके चलाने के लिए, डिफोगर को फ्रंट डिफोगर बोलते हैं उसे, जो कि उसको चलाने के लिए कोई यार पाइपलाइन तो दी होगी ना ऐसे की,
वो भी महिंद्रा ने नहीं दे रखी। बताओ यार क्या ही करे महिंद्रा का, मतलब सोचता है यार महिंद्रा पर कई कई जगह। उस समय क्या है, नई नई लॉन्च हुई थी, उस समय दे नहीं पाए, हो गया जल्दीबाजी के अंदर, जल्दी होगी उसको लॉन्च करने की महिंद्रा बोलेरो को, फिर लॉन्च करके उतार तो दी। पर इसके अंदर देखो यार ऐसी ऐसी कमियां देखने लग जाती है यार, मिल जाती है देखने के लिए। ऐसे कैसे बोल्ट मिल रहा है इसका डैशबोर्ड का यार, इसको तो छुपा लेता है यार महिंद्रा। क्या ही सीन रहता है महिंद्रा का बताओ। अब इसके ऐसे इवेंट के बारे में बात करते हैं, इसके अंदर चार ऐसे इवेंट भी देखने के लिए मिलते हैं जो कि बीच के अंदर अपने को रियर वालों के लिए दो मिल जाते हैं, और ड्राइवर साइड के लिए हमें एक मिल जाता है जो कि राइट हैंड साइड मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड भी हमें एक, पैसेंजर साइड भी एक मिल जाता है। यार नई बोलेरो आई है यार, उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिए जो कि यहाँ से भी डैशबोर्ड को थोड़ा फोल्ड कर दिया। वो सेपरेट वीडियो आएगी आपकी कल देखना, आप मिलेगी आपको वैसे, है ना। फिर भी बता देता हूँ, जैसे महिंद्रा को लोगो चेंज कर दिए और जहाँ से यहाँ से डैशबोर्ड को चेंज कर दिया। एक पहले एक सिंगल एयरबैग आता था गाड़ी के अंदर, और आज दो एयरबैग डाल दिए महिंद्रा बोलेरो के अंदर भी। थोड़ा बहुत यार लुक के अंदर तो लगा यार मेरे, थोड़ी बोलेरो पर इस हैंडल को रिमूव कर दिया यहाँ से। और अपन बात करें तो ए सी इवेंट पे थे अपन, इसका ए सी इवेंट तो भाई बिल्कुल घटिया है और गाड़ियों से, मतलब और गाड़ियों से आप कंपेयर करोगे ना इसमें, देखो एल्टो में भी अच्छा आ जाता है, इससे अच्छा तो एल्टो के अंदर भी आ जाता है अपने, लोगे ना आप एल्टो उसके अंदर भी अच्छा मिल जाता है अपने को। क्योंकि नहीं तो ये कोई इतनी कूलिंग करता है, ना ही कोई इसका ए सी कोई इतने काम का है, मतलब नॉर्मली आपको थोड़ा फ्रंट के अंदर दो बैठे रहेंगे ना उसको कूल कर देगा थोड़ा सा, हल्की फुल्की दे देगा आपको हवा, और कुछ भी नहीं है पीछे तक तो हवा पहुँचती भी नहीं है इसकी। बताओ यार कितना ही जोर लगा लो आप, कितना ही इसके मतलब कम इसकी, नहीं तो इसकी ब्लोर की स्पीड इतनी कोई तेज दे रही है महिंद्रा ने यार। अगर ए सी इतना कोई खास नहीं था तो यार इसकी ब्लोर की स्पीड तो थोड़ी तेज कर देनी चाहिए इतने महिंद्रा ने यार, क्या ही बताऊँ यार महिंद्रा को। अब जैसे बात करें तो इसकी देखो अभी सिंगल पे चल रहा है, वन स्पीड पे चल रहा है, ये देखो सिंगल स्पीड पे चल रहा है अभी, इसको थोड़ा मैं और बढ़ा दिया और बढ़ा दिया। अब आपको वॉल्यूम के अंदर तो सुनाई दे रही होगी पर इतनी आ रही नहीं रही ना इसकी। अब मेरे को भी नहीं, मैं बैठा हूँ देखो फ्रंट सीट पे बैठा हूँ, मेरे को भी इतनी हवा नहीं आ पा रही देख लो ब्लोर की अभी। हालांकि ए सी कहाँ ऑन होगा जब अपनी गाड़ी ऑन नहीं है तो। और उसके अंदर देखो अभी इसके अंदर डीजल डला हुआ है फिर भी, ये देखना पहले देखना, एमरजेंसी वाली ब्लिंक करने लग जाती है। देखो यार इसके अंदर ऑलरेडी डीजल डला हुआ है अभी, फिर भी अभी ब्लिंक करी और ना ही इसके अंदर कोई शोर है डीजल। ऐसी ऐसी कमियां दे रखी है महिंद्रा ने यार। ऑटोमेटिक अपना मीटर हैंग हो जाता है, ऑटोमेटिक ही मतलब 160 की स्पीड शो करने लग जाता है। पर यार महिंद्रा ने अपने बारे में तो ऐसा कुछ सोच रखा। देखो अब देखो मैं कितनी हाई कर लूँ ना इसको, ये बिल्कुल भी नहीं तो मेरे पास हवा पूछ पा रही देखना बिल्कुल भी। इसको भी मैं मेरी तरफ सेट कर लेता हूँ, इसको भी कर लेता हूँ, इसको भी कर लेता हूँ, एक बार देख लेना है आपको। यह तो मतलब खराब ही हो गया बिल्कुल, या क्या है ऑन ऑफ क्या आता है, मतलब इस ब्लोअर को ऑन रखना है या ऑफ करना है। अभी बंद हो गया, नीचे की तरफ करते ही इसको ऊपर की तरफ कर देते हैं। अभी आपने ट्राई करा होगा यार, अब ये क्या ही इसके अंदर दे रखा है ना किसी वर्क का तो रहता ही है। देखो ये वाला ऊपर की तरफ करोगे तो ये ब्लॉक हो जाएगा, और नीचे की तरफ करोगे तो ब्लॉक हो जाएगा, और ऊपर की तरफ करोगे तो ये इवेंट चालू हो जाएगा वापस। उस वाले के अंदर भी सेम फीचर दे रखा है जो कि यहाँ पर मिल जाता है हमें एज इट इज। महिंद्रा ने यार कुछ तो, महिंद्रा ने यार कुछ तो करना ही था, तो फिर यार क्या ही कर बना डाला यार महिंद्रा को यार, बोलेरो को यार थोड़े बोलेरो में इम्प्रूवमेंट कर दो यार। स्कॉर्पियो के अंदर भी कर दिया तो इसके अंदर भी कर डालो यार, कितनी कितने एक दिन चलाओगे इस बोलेरो को अपनी को, ऐसे कि ऐसे यार जी वैगन जैसा बना दो एक दिन। हालांकि मेरे को थोड़ी सी उम्मीद है एक दिन ये जी वैगन जरूर बनेगी अपनी। महिंद्रा ने पहले ही उस समय किसी के अंदर भी नहीं आता था यार, 2011 के अंदर ही इसके अंदर डाल दिया था ये वाला वैनिटी मिरर, क्या बोलते इसको, ऐसा डाल दिया था पहले यार महिंद्रा ने। ऐसा कुछ डे नाइट मिरर देखने के लिए मिल जाता है बोलेरो के अंदर, ये एक अच्छा खासा फीचर मिल जाता है हमें बोलेरो के अंदर देखने के लिए। बस आज के लिए तो बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बस अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो बस अब।